कहते हैं मानव और मानवता का कल्याण करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया और समय समय पर मानव की आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शक के रूप में उनकी सहायता करते रहे और मानव के जीवन को सफल बनाने में तथा कठिनाइयों से लड़ने में उसका संपूर्ण सहयोग करते रहे। बहुत से धर्मगुरु और महापुरुष इस संसार में जब तक रहे हैं तब तक भक्त उनके संदेशों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाते रहे, मगर बहुत से धर्मगुरु ऐसे भी गुजरे हैं जिनके जाने के बाद भक्त उनके द्वारा दिए गए संदेशों का पालन कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इसी कड़ी में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भी एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिनका 131वां जन्मोत्सव एवं छठवां उद्बोधन बहुत ही धूमधाम के साथ उनके मानने वालों के द्वारा बक्शी का तालाब भैंसामऊ स्थित सत्संग विहार में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्मगुरु समेत श्रद्धालु एकत्रित हुए और श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके संदेशों को भी याद किया। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, जागो, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी ठाकुर भी नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। भारत की उन्नति तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्यत कल्याण का आवाहन करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो जाओ और अपने मूर्त एवं जीवंत गुरु या भगवान में आसक्त हो जाओ और उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। जिनका मन सत या एकासत्य से पूर्ण है वे ही सत या सती है। किसी में युक्त होने या एकमुखी आसक्ति का नाम ही है योग। इन्हीं बातों पर अमल करते हुए परम प्रेमी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 131वां शुभ जन्मोत्सव 5वां उद्बोधन दिवस समारोह सत्संग के आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के आशीर्वाद एवं पूजनीय बाबाई दादा की प्रेरणा से सत्संग विहार ग्राम भैंसामऊ बक्शी के तालाब में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रतिभा चुकराल ने लोगों को संदेश दिया और कहा कि उनकी असीम दया से जीवन वर्धन पथ पर चले। उन्होंने मुझे कार्यक्रम के इस भाग के लिए मुख्य अतिथि के रूप में गौरव प्रदान किया, इसके लिए मैं उनका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस संस्था से मैं बहुत ज्यादा समय से नहीं जुड़ी हूँ, परंतु जो कुछ मुझे पता चला इस संस्था के विचार ने मुझे बहुत प्रेरणा दी और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके परोपकार के कार्य करें। जैसे सबसे बड़ा सबसे प्रमुख सत्य क्या है मेरे लिए, मेरा नाम प्रतिभा ठुकराल है, ये मेरा शरीर है, मैं इस तरह के कार्य करती हूँ। आज 25 नवंबर 2018 को 12 बजे मैं यहाँ आप सबके बीच में खड़ी हूँ, तो ये मेरा सत्य है जो मुझे समझना चाहिए और इसमें पूरी संतुष्टि रखनी चाहिए। अधिकतर होता ये है कि हम लोग अपने हर व्यक्ति में शायद गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन हम लोग अपने गुणों को कम देखते हैं और अवगुणों की वजह से अधिकतर बहुत हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। मैं आप सबके सामने कहने में कोई इसमें मुझे संकोच नहीं है कि मेरे अंदर सारे गुण नहीं होंगे, कुछ अवगुण जरूर होंगे, लेकिन मैं अपने अंदर कोई भी हीन भावना कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं रखती हूँ और शायद यही आत्मविश्वास है कि आज आप सबके बीच में खड़े होकर कुछ बोल सकती हूँ। तुम्हारा रंग बहुत अज्ञा है, तो मैंने उनको बहुत इज्जत से जवाब दिया कि चाची जी अब तो उम्र हो गई है, लेकिन बचपन में जवानी में भी मैं तो कभी भी बहुत गोरे रंग की नहीं थी और मुझे इस बात का कभी कोई कॉम्प्लेक्स कोई हीन भावना नहीं रही, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उस ईश्वर ने उस ठाकुर ने इतनी और अच्छी चीजें दी हैं।
मुझे इतने अच्छे घर में पैदा किया, मुझे इतनी उच्च शिक्षा दी, इतनी अच्छी आईक्यू दी कि मैंने हर एग्जाम में टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही, इतनी अच्छी जॉब दी, इतने अच्छे घर में मेरी शादी करी, इतने अच्छे बच्चे दिए। तो क्या चाची जी आप सोचती हैं कि गोरा रंग भी भगवान मुझे ही नहीं देता, तो क्या वो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखता? तो इसलिए कोई भी अवगुण छोटे मोटे अगर आपके अंदर है उसमें कोई भी हीन भावना रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं सोच सकती हूँ सामने जो बैठी है वो इतनी सुंदर है, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, तो मैं हीन भावना रख सकती हूँ। और सोच सकती है कि देखो मैं तो इस कार्यक्रम में नीचे बैठी हूँ और प्रतिभा जी ऊपर खड़े होकर भाषण दे रही है, तो उनके अंदर यही भावना आ सकती है। इसके ऊपर तंज कसता था कि देखो तुम तो आधे काम कर पाते हो और तुम्हारा तो जीवन ही बेकार है और तुम्हें तो इतना अवगुण है तो तुम्हें तो तुम्हारे जीवन का क्या लाभ है। तो धीरे धीरे रोज रोज ये सुनते सुनते बाय वाले खड़े में भी एक हीन भावना पैदा होगी कि वाकई में मुझ में ये अवगुण है, मेरी वजह से तालाब में पूरा पानी नहीं जा पा रहा है। तो काफी दिनों के बाद, करीब समझ लीजिए एक महीने के बाद, उसने बाएं वाले घड़े ने बहुत हिम्मत करके अपने मालिक से, कुमार से कहा कि मालिक आपके पास तो इतने सारे घड़े थे, आपने मुझे चयन किया, मेरी वजह से आप केवल आधा ही पानी तालाब में डाल पाते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे तोड़ दीजिए, आप कोई और घड़ा ले लीजिए। तो अब उसका मालिक का कुम्हार का जवाब सुनिएगा। कुम्हार ने कहा कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर ये दोष है। तो जैसे यही माना जाता है कि दान करना बहुत अच्छा होता है, तो लोग कहते हैं अरे भाई हम कैसे दान करें, हमारे पास तो इतना ही है कि हम किसी तरह से अपना परिवार चला सकते हैं। बात सही है, परिवार चलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन ये मेरा विचार है, अपना पर्सनल विचार है कि दान धर्म दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो हम धन से जिसको जोड़ते हैं या धन से खरीदी हुई वस्तुओं से जोड़ते हैं, जैसे 1 लाख का चेक दे दिया या गरीबों को खाना खिला दिया या जाड़ों में कंबल बांट दिया, ये एक श्रेणी की चैरिटी है। और ये मुझे लगता है थोड़ी सी आसान चैरिटी है और इसको वो लोग ही कर सकते हैं जो शायद हर तरह से समर्थ हैं। परंतु एक और चैरिटी है जिसको मैं सबसे उच्च श्रेणी की चैरिटी मानती हूँ और जिसको आप हम सब लोग कर सकते हैं, वो चैरिटी है कि हम किसी को वो चीज दे जिसकी हमारे पास खुद कमी हो। मेरे पास थोड़ी समय की कमी है क्योंकि मेरे पास इतने काम होते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि एक दिन में अगर 24 घंटे की बजाय 30 घंटे होते तो शायद मैं अपने सारे कार्य ज्यादा अच्छी तरह कर पाती। तो मेरे पास समय की कमी है। अब अगर मैं किसी को भी मेरे समय की जरूरत है, उसमें जरूरी नहीं है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो बहुत कठिन हो। मान लीजिए कोई मेरी सहेली है, वो आके मुझसे कहती है कि प्रतिभा 2 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, मुझे अमीनाबाद से कुछ साड़ियां लेनी है, मुझे तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद है, तुम मेरे साथ चलो। आप समझ ही सकती मेरे पास थोड़ी समय की कमी है और अमीनाबाद जाने के नाम से तो वैसे ही हम लोग का दिल कांपने लग जाते हैं। पर फिर भी मैंने उसे कहा अच्छा देखो इस इतवार को तो मुझे सत्संग विहार के कार्यक्रम में जाना है, चलो अगले इतवार को मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस अवसर पर सत्संग विहार के कार्यकर्ता एके महत ने कहा कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मानवता पर विश्वास था और हमेशा सभी मानव जाति और धर्म के लोगों को एकता का संदेश देते थे और किसी भी धर्म को ऊंच नीच की भावना से देखने के विरोध में थे। वे सर्वधर्म सम्मान की बात करते थे और हमेशा मानव कल्याण की बात करते थे। एके महंत ने कहा कि आज आवश्यकता है कि भारत समेत पूरे विश्व में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के संदेश को याद किया जाए और लोगों को एकता के डोर में बांधा जाए। वहीं इस दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रतिभा ठुकराल ने शिरकत किया और लोगों को अपना संदेश दिया। साथ ही इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती कुमकुम राय चौधरी ने भी शिरकत किया। इस अवसर पर लोगों को प्रसाद वितरण के साथ साथ भंडारा का भी आयोजन किया गया जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। मैं सत्संग का एक भक्त हूँ, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मेरा गुरु है और उनके आश्रित में उनका आदेश हिसाब से मैं उनको शरण करता हूँ
और उसके आदेश के हिसाब से जो जो उनका कर्म है आदेश दिया हुआ है मैं अपने जीवन में करने की चेष्टा करता हूँ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो आज की तारीख में कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता है हम उसके विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन जो सत्संग जगत में जो उनको आज की तारीख में गुरु माना हुआ है वो हम विश्वास करते हैं कि एक दिन में वो प्रभु श्री कृष्ण थे, एक दिन में वो श्री रामचंद्र थे, एक दिन में जीसस क्राइस्ट रसूल मोहम्मद श्री रामचंद्र श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु गौतम बुद्ध ये सब उनका पहले पूर्ववर्ती जो थे उनको मानते हैं और अंतिम समय में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपने इस धरावतार में अवतार जो हम विश्वास करते हैं वो आए हैं और हम सबको उसी रास्ते में फिर रास्ते में दिखा के उनको उद्धार करने के लिए हम प्रचारित करने के लिए वो कर रहे हैं। वही जो सत्संग है उनका प्रदर्शित मार्ग है जिसके चलते हम सब कोशिश करते हैं उसी रास्ते में चले हम अपने को एक अच्छा मानव और एक अच्छे व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन सब सुधारने की कोशिश में लगे ये उनके विचार है। सर आज के यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है मुख्य क्या कार्यक्रम है किस प्रकार ये हर सारा भारत विश्व में उनका 131वां जन्म दिवस 131 उनका जन्म दिवस पालन किया जा रहा है इधर और ये सारा विश्व में हर जगह में एक एक दिन वो सिलेक्शन करके वो अपना जन्मदिन पालन करके और उनका दोनों कीर्तन करते हैं और उनको याद करते हैं जो ठाकुर जी के पूर्ववर्ती जो मैंने आपको बोला है उनको याद करके और उनको जो कहा गया निर्देश उसको पालन करके उनको हम अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं। जनता को संदेश ये देना चाहते हैं, देखिए शिक्षा ठाकुर जी बोलते हैं कि लिखा पढ़ा में जो शिक्षा अभिज्ञता होता है वो एक नौकरी दिला सकता है, पैसा रोजगार करने का माध्यम दिला सकता है, लेकिन मनुष्य का जो चरित्र है उसको गठन करने के लिए एक किसी गुरु को ग्रहण करना पड़ता है और उनके शरण में जाना पड़ता है, तो वो एक शिक्षा ठाकुर जी के जो साथ जुड़ने के बाद वो हमको सीखने को मिलता है। मैं डॉक्टर स्वरूप कुमार माथुर साइंटिस्ट। सर यहाँ पे आज ठाकुर जी का 131वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, सर क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए ठाकुर जी ने जो सबसे पहले चीज कही है वो ये है कि अर्थ मान यश इत्यादि के लिए ठाकुर बनाकर भक्त बनाए, क्योंकि लोग अक्सर लोग आते हैं इसलिए कि हम अगर जुड़ते हैं होते हैं तो हमको अर्थ की कामना हो जाएगी, मां की कामना। ठाकुर कहते हैं, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो गुरु जी हैं वो ये कहते हैं कि आपने अपने अंदर का ठाकुर तो अगर जागृत नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए ठाकुर भी नहीं है, आप भक्त हो। ठाकुरत का अर्थ यहाँ भी ये होता है आप अपने इनर सेल्फ को इनर स्ट्रेंथ को आप डेवलप करो। जब तक आपके अंदर का ठाकुरत इनर स्ट्रेंथ अंदर का जो शक्ति है वो जागृत नहीं होती तो हम किसी काम को नहीं करते। ठाकुर जी का सबसे पहले ये कहना है, दूसरा ये कहना है बी कंसेंट्रेट, आप ठाकुर जी में कंसेंट्रेशन करो, बी कंसेंट्रेट एंड बीइंग एंड बिकमिंग। माँ मेरस माँ जाही शक्य ते चेत मृत्यु मल्ल पे डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। सर आज यहाँ पे किस तरह से मुख्य रूप से कार्यक्रम हुए हैं और किस रूप से मुख्य रूप से कार्यक्रम क्या क्या हुए सर और किस प्रकार से लोग यहाँ पे आए हैं सम्मिलित हुए हैं? यहाँ पर ठाकुर जी का 131वां जन्मदिन है और छठा उद्बोधन दिवस भी है, तो यहाँ पर उसका हम लोग उत्सव मनाते हैं और उत्सव मनाने में सभी भक्तगण श्रद्धालु आते हैं, कुछ हमारे अतिथिगण भी आते हैं, उनको हम लोग ठाकुर जी के विषय में बताते हैं, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आखिर यहाँ आ करके करते क्या हैं। हम लोग ये करते हैं कि अलग अलग
फील्ड से आते हैं, कोई साइंटिस्ट है जैसे मैं हूँ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई स्टूडेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, हर वॉक ऑफ द लाइफ से लोग आते हैं और यहाँ पर जी को देखते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और 33 करोड़ देवी देवता में अगर आप सदगुरु को एक सुबह हम लोग स्तुति देते हैं तो पूरे 33 करोड़ हिंदू देवी देवता जो होते हैं उनको हम लोग संतुष्ट करते हैं। एक सदगुरु को हम कुछ स्तुति देते हैं, उनका वरण करने के लिए स्तुति करते हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता को संतुष्ट करते हैं। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। ठाकुर जी के चरणों में लोग आने की प्रेरणा देते हैं कि आप लोग आइए।